अभी अभी एक बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर के, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है, जिस चीज का इंतजार हर एक भारतवासी अपने घर के छत के नीचे बैठ कर कर रहा था। फाइनली ऑस्ट्रेलिया भी उस दिन के लिए तैयार हो गया है। और वास्तव में क्या है? पूरी खबर बने रही है वीडियो में। अंत तक ऑस्ट्रेलिया ने वास्तव में क्या बयान दिए हैं वह भी आपको सब कुछ सबूत के साथ दिखाएंगे। और कब है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का वर्ल्ड कप दोबारा कब खेला जाएगा वह तारीख भी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तो इसलिए इस पूरी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको वास्तव में एक भारतीय होने पर गर्व होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोबारा से वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस खुशखबरी को अब खुद आईसीसी के प्रेसिडेंट ने दे दिया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मैच में बेईमानी करी और इसके सबूत अब हम सभी के सामने आ चुके हैं। जिसके बाद आईसीसी के बाद जब यह फैसला पहुंचा तो उन्होंने इस बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो चलिए बताते हैं क्या बोला आईसीसी प्रेसिडेंट ने। लेकिन अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबले में तीन इंडिया ने 240 रन बनाए थे और जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया के तीन विकेट भी गिरा लिए थे। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 7 विकेट से मुकाबले में जीत हासिल कर ली। लेकिन मैच के बाद ही विवाद काफी ज्यादा खड़ेड़ा हुआ था कि अंपायर रिचर्ड कैटलब्रो ने लघु शंका को आउट नहीं दिया जबकि वह LBW आउट थे। उसको भी हार का कारण माना गया। लेकिन उसके बाद इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें ट्रेविस हेड ने जब रोहित का कैच पकड़ा था तो उनके हाथ से गेंद छुट्टी हुई नजर आ रही, जिसको देखने के बाद हर किसी का गुस्सा जमकर फूटा। लोगों को यकीन है कि रोहित शर्मा को अगर उस समय मौका मिल जाता और वह एक बड़ी पारी खेल सकते थे, क्योंकि जिस तरह की वह लय में थे उनके सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भी पानी भरते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि बेईमानी तो हुई है और शायद इसीलिए आईसीसी के ऊपर दोबारा मुकाबला करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में आईसीसी प्रेसिडेंट ने रातों रात तत्काल एक मीटिंग बुलाई जिसमें यह सारे सबूत को रखा गया और यह सबूत पूरी तरह से सच साबित हो चुके हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के साथ अंपायर की भी बेईमानी रही है, लेकिन आईसीसी प्रेसिडेंट ने इसके लिए वक्त मांगा है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में सदस्यों की राय इसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और सभी की रजामंदी के बाद ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन आईसीसी के प्रेसिडेंट ने यह भी बताया मौका देखकर बीच में हो सकता है कि दोबारा फाइनल मुकाबला कराया जाए। लेकिन इसको लेकर आप काफी ज्यादा खुशी का माहौल हर एक भारतीय समर्थन में देखने को मिल रहा है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, अगर दोबारा फाइनल मुकाबला होता है तो कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट सेक्शन में बताइए। और दोस्तों आपको बता दे कि अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। एक महत्वपूर्ण बात जो कि आपके सामने हम रखने वाले हैं, जिसको लेकर के BCCI ने एक बड़ा बयान सामने आ चुका है, उसको हम आपके सामने रखने वाले हैं। ध्यान से समझिए इस न्यूज को और यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि दोस्तों पूरी खबर क्या है और वास्तव में इस गेम की पूरी सच्चाई क्या है और क्या है ऑस्ट्रेलिया की शर्त और क्या फैसला लिए गए हैं, वह सब आपको एक सबूत के साथ सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने की बेईमानी तो BCCI ने लिया एक्शन और ICC से की कंप्लेन, वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को IPL नहीं खिलाने पर भी लेंगे पीडीएडा फैसला, जिसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को घमंड हुआ चूर और फिर ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने भारत से माफी मांगते हुए दिए बेडीडेढ़ी बयान, जिसे सुनकर आप भी रह जाओगे पूरी तरह से हैरान है। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्या कुछ कह दिया है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने, सब कुछ आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े ही फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। और हाँ, सभी भारत देशवासियों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप लोग भी चाहते हैं कि यह वर्ल्ड कप दोबारा खोला जाए तो प्लीज सभी लोग कमेंट बॉक्स में हर एक एक बंदा सभी लोग मिलकर के कमेंट में यह जरूर लिख दीजिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोबारा से वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाए। हम इंडियन के साथ इंसाफ होना चाहिए, इंडियन खिलाड़ियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। सभी लोग केवल और केवल यही शब्द बार बार कमेंट में लिख दीजिए और सब लोग एकजुट होकर एक ही नारा बना लीजिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोबारा से वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला, क्योंकि हो सकता है कि हम सभी के निवेदन से यह वर्ल्ड कप दोबारा से ICC करने के निर्देश दे दे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि इंडियन खिलाड़ियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। देश में भारत वर्ल्ड कप फाइनल तो हार चुकी है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस वर्ल्ड कप का असली हकदार कौन था। टीम इंडिया ने पूरे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया, लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल में क्वालिफाई किया, लेकिन सिर्फ एक मैच हारने से टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाई। हालांकि हम सब जानते हैं कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट टीम थी, कोई भी टीम भारत के आसपास भी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीती है लेकिन उन्होंने बेईमानी कर जीता है और इसका खुलासा खुद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी किया है, या दोस्तों रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी के साथ में किया था। आपको बता दें कि हेड ने जो कैच रोहित का पकड़ेढ़ा था वो कैच नहीं था, क्योंकि जब हेड
ने कैच पकड़ डढ़ा तो गेंद जमीन को टच हो गई, जो कि आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हो। जिसके बाद में इसका खुलासा खुद हेड ने भी किया था। हेड ने भी बताया था कि वो कैच नहीं था, जिसके लिए उन्होंने भारत से माफी भी मांगी। उन्होंने बोला था कि उन्हें पता नहीं था कि बॉल जमीन को टच हुई। वही है कि कैच की फोटो अभी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर फैंस मांग कर रहे हैं कि फाइनल को दोबारा कराना चाहिए। वहीं इसमें अंपायर की भी गलती भी है, क्योंकि उनको सही से कैच को चेक करना चाहिए था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इस बेईमानी से बीसीसीआई काफी ज्यादा नाखुश है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रॉजर बिन्नी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आईसीसी को ऑस्ट्रेलिया की इस बेईमानी पर सबसे सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि वो आगे से ऐसा ना करे। रजर भी नहीं, ये तक कह दिया था कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को आईपीएल नहीं खिलाने पर भी कड़ी डिढ़ा फैसला लेंगे। रॉजर बिन्नी की ये बात सुनकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी काफी सहम गए हैं, और उन्होंने अब बड़े बयान दिए हैं। तो किसने क्या कहा, ये आपको बताते हैं। दूसरा, सबसे पहले डेविड वार्नर ने बात करते हुए कहा कि मैं हमारी इस जीत से काफी खुश हूं। मेरे ये लास्ट वर्ल्ड कप था और मैंने अपने अंतिम वर्ल्ड कप में खिताब को जीता है, तो इससे बड़े अड्डी खुशी मेरे लिए क्या ही होगी। बाकी मुझे पर्सनली इस वर्ल्ड कप में इंडिया के फैंस से काफी प्यार मिला, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया था और वो हमेशा करते भी है जब मैं आईपीएल खेलने भारत आता हूँ। वही अब जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि हेड का कैच क्लीन नहीं, जिसके ऊपर मैं यही बोलना चाहूंगा कि जरूर हेड ने गलती की है, लेकिन हद से ज्यादा गलती है एम्पायर की, जिन्होंने सही से कैच को चेक नहीं किया। हमारे खिलाड़ी होने के नाते यही काम होता है कि हम अपील करें, बाकी फैसला अंपायर के हाथों में होता है। जिसके बाद में ग्लेन मैक्सवेल ने बात करते हुए कहा कि मैं जरूर हमारे फाइनल जीतने से खुश हूं। लेकिन अब जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि रोहित को गलत आउट किया गया था, जरूर हेड ने सही कैच नहीं पकड़ डाला, लेकिन डिसीजन तो अंपायर का ही था, इसमें हमारी क्या गलती। बाकी बात रही है हमें आईपीएल नहीं खिलाने की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये गलती हमेशा व्यक्ति से ही होती है। जो हो चुका है उसको बदल तो नहीं सकते हम, जिसकी वजह से बीसीसीआई को हमें आईपीएल खिलाने पर विचार करना चाहिए। बाकी मैं रोहित और कोहली के लिए काफी दुखी हूँ, क्योंकि उन दोनों ने इस टूर्नामेंट में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था भारत को जिताने के लिए, और वो डिजर्व भी करते थे। स्टीव स्मिथ ने भी बड़ेढ़ा बयान दिया। स्मिथ ने एक इंटरव्यू के दरमियान बात करते हुए बताया कि अब जो ये सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रही है, उस समय भारत से माफी मांगना चाहूंगा, इस स्पेशली रोहित शर्मा से, क्योंकि रोहित ने इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बल्लेबाजी की और फाइनल में उनके साथ में बेईमानी हुई, जिसकी वजह से मैं भी रोहित के लिए दुखी हूँ। रोहित इस बार वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व करते थे, क्योंकि उसने अपना सब कुछ झोंक दिया था इस वर्ल्ड कप को भारत को जिताने के लिए। बाकी अब जो हो चुका है उसे हम सबको भूलना चाहिए। बाकी अब बात रही है मैं आईपीएल नहीं खिलाने की, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर बीसीसीआई हमें आईपीएल नहीं खिलाना चाहती, तो हम भी जबरदस्ती आईपीएल नहीं खेलना चाहते। आईपीएल से इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट होता है और मैं उसे खेलना ज्यादा पसंद करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के इन बयानों पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, ये वर्ल्ड कप दोबारा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? यदि होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? वास्तव में जो अभी तक फैसले लिए गए हैं, क्या वह सब सही है या फिर सब के सब गलत लिए गए? मेरे हिसाब से तो ये है, वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला दोबारा खोला जाना चाहिए और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। यदि आप लोग भी यही चाहते हैं कि हम सभी के साथ इंसाफ हो, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक ही नारा लगा दीजिए कि हम सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोबारा से वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना चाहिए, और इस भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोबारा से वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबले को लेकर कि यदि कोई नई खबर आती है, तो सबसे पहले सभी मित्र इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है, सबसे पहले मैं आपको उस अपडेट से अवगत कराऊंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मंत्री।